सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी सलवार सूट की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी। इसके लिए हमने बुकरम ली है, उसकी चौड़ाई है वो 8 इंच है, लंबाई है वो भी 8 इंच है। अब हम बुकरम को डबल करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे, अगर आप चाहें तो 3 इंच की भी ले सकते हैं। अब हमारे गले की लंबाई है वो 7 इंच हो गई है। इसके लिए हमें एक छोटा कपड़ा चाहिए, उसके ऊपर हमें गले को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हमने कपड़े पे सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिला लेंगे और यहाँ के बीच में एक सिलाई लगाएंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब हमें बीच का कपड़ा काटेंगे। अब हमारी ये गोलाई है वहां पे हमें ये कैंची लगा लेंगे। अब इसको अंदर के साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब ये हमने उल्टी की लंग से गले को लगाया है आगे की लंग। अब हमें ये गले को आगे की लंग दबाते हुए पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के बीच में हमें धागे को दबाना है। अब हमने गले पे पाइपिंग लगा ली है। अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अब पीछे के लिए हमारे पास चौकुटा कपड़ा नहीं है तो हम इसको एक पट्टियों से चौकुटा कपड़ा बनाएंगे। इस तरीके से हमने चौकुटा कपड़ा बनाया है। और ये गले को रख के अब हम सिलाई लगाएंगे।
अब ये हमारा जो बीच का कपड़ा है इसको काटेंगे। पीछे से हम गोलाई देंगे। अब ये कपड़े को दबा के पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अंदर का कपड़ा दबना चाहिए। अब हम इसमें आगे वाले पल्लव को जोड़ेंगे और पट्टी को हम सीधा ही रखेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर को जोड़ेंगे और पट्टी को सीधा रखेंगे। जब हमारी सिलाई हो जाएगी तो हमें पट्टी को अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। अब ये पट्टी को अंदर के साइड दबा के इस तरीके से हम तुरपाई करेंगे। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग पे हम निशान लगा लेंगे। फिटिंग हमें एक एक इंच की या डेढ़ डेढ़ इंच की फिटिंग करनी है। अभी हमारा जहाँ पे कटा हुआ निशान है वहाँ तक ही सिलाई लगानी है और ये सिलाई को दोबारा से हम लेके आएंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग करनी है। हम इसके चाक की कटिंग करेंगे। चाक को हम इस तरीके से पहले बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हमारी सिलाई है यहाँ पे जो कपड़ा ज़्यादा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितना हमें अंदर की साइड दबाना है उतना ही कपड़ा रखेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कटिंग करेंगे। अब हम ये कपड़े को अंदर की साइड दबा के चाक बनाएंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड चाक बनाना है। अब हमने चाक पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बगली पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अभी हमारा सीधा है। सीधे के ऊपर हम भी पाइपिंग को रखेंगे। पहले हम बाजू की मोरी पर पाइपिंग लगाएंगे। अभी हमारा पाइपिंग का जो कपड़ा है इसको हम अंदर के साइड दबा के तुरपाई कर लें या सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू तैयार करेंगे। अब हम बाजू को लगाएंगे। तो बाजू को पहले हमें डबल करना है और यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे।
ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर पे ये निशान को हम इस तरीके से बराबर करके बीच में रखेंगे और यहाँ से हमें बाजू को नापेंगे। अब हम बाजू को लगाएंगे, सीधे के ऊपर हमने बाजू को रखी है। अब हम बाजू की मोरी को फिटिंग करेंगे। यहाँ से हम बाजू की मोरी पर निशान लगा देंगे। जैसे हमारी मोरी है 13 इंच की, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ये निशान को हम इसमें जोड़ देंगे जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है। अब हमने दोनों साइड फिटिंग कर ली है बाजू की। अब हम यहाँ से चेस्ट को नापेंगे। जैसे हमारी चेस्ट ज़्यादा है, बड़ी है, तो हम यहाँ पे 1 इंच सिलाई और लगा सकते हैं। अगर बराबर है, ये तो हो गई हमारी कुर्ती की स्टिचिंग। इसे मैं आपको सीधा करके बताऊंगी कि कुर्ती कैसे बनी है। अब हम सलवार की स्टिचिंग करेंगे। अब ये हमने बुकरम लगा ली है पट्टी पे। ये हमारी जो पट्टी है वो हमने आपको कटिंग में बताई थी, तो इसके ऊपर हमने बुकरम लगाई है दोनों साइड सिलाई लगा के। सबसे पहले हमारी सलवार की लंबाई है और यहाँ से हमारी मोरी है, तो ये हमारी जो सीधी वाली पट्टी है, तो इसमें हम कली को जोड़ेंगे। ये हमारी जो चौड़ाई है कली की, वो हम ऊपर की साइड रखेंगे। अभी हमने कली को जोड़ लिया है। अब यहाँ से हमारी ये मोरी है। अब ये पट्टी को हम उल्टी लंग से लगाएंगे और आगे की लंग दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम आगे की लंग दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। जितनी हमें मोरी छोटी या बड़ी बनानी है उतनी हम सिलाई लगाएं। हमारा कटा वाला निशान है, यहाँ पे मियानी लगाएंगे हम, तो इस सिलाई को हमें दोबारा से अब हम इसमें मियानी लगाएंगे। हमारे दो पल्लर हैं अलग अलग। पहले हम यहाँ पे एक मियानी लगाएंगे एक पल्लर में। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड दूसरी मियानी लगानी है, एक ही पल्लर में लगानी है। अभी हमने मियानी लगा ली है एक ही पल्लव
में दोनों मियानी को लगाइए अलग अलग इस तरीके से। अब जैसे हमने इसकी मोरी बनाई है इसी तरीके से हम दूसरे पल्लर की मोरी बनाएंगे और उसकी भी फिटिंग करेंगे। इसको हमें यहाँ से बराबर करके बराबर करना है। अब हम पहली वाली मोरी से दूसरी वाली मोरी की फिटिंग करेंगे। अभी दोनों कलरों को हम इस तरीके से रख लेंगे। अब एक कलर हमें ऊपर वाला लेना है, एक कलर यहाँ से भी ऊपर वाला लेना है। अब इनको दोनों को हमें सिलाई लगानी है। अभी हमने म्यानी को जोड़ लिया है और यहाँ से हमने नेफा भी बना लिया है और बीच में से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी बेल्ट बन गई है, ये हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है और यहाँ से हमने बीच में सिलाई लगाई है। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। डबल करने के बाद ये हमारा पीछे वाला पल्ला रहेगा तो हम यहाँ पर निशान लगा लें। इसको हमें बराबर करके यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब एक बार और हम इसको डबल करेंगे तो यहाँ पे जो निशान लगाएंगे ये हमारे आगे वाले पल्लर वाले होंगे निशान। यहाँ से हम चुन्नट डालेंगे और बगली के निशान होंगे। अब हमें तो जो पीछे वाला ये हमारा बराबर करके ये निशान है ये हम बीच वाले म्यानी पे निशान को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने दो दो चुन्नटें डाली हैं पीछे सलवार पे। यहाँ से ये निशान को हमें जोड़ना है। और यहाँ से बगली वाला जो निशान है यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए ये बन गया हमारा कुर्ता। ये हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है गले पे, जो हमने उल्टे की साइड उल्टा बुकरम जो हमने गले की बुकरम काटी थी वो उल्टे की लंग से रखी थी और आगे की लंग हमने बुकरम को दबाया है और ये यहाँ पे पाइपिंग लगाई है। ये हमारा पीछे वाला पल्लू है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं। ये हमने 2.5 मीटर में सलवार बनाई है। यहाँ पे हमारे दो दो प्लेटर लिए पीछे वाले पल्लर पे और आगे की साइड हमारी जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पे सामने पूरे पे प्लेट है।
यहाँ पे हमने बीच में म्यानी लगाई है। बहुत देर की सलवार निकली है 1.5 मीटर में। तो ये हो गई हमारे सलवार और कुर्ती की स्टिचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।